So, welcome friends to our next lecture on the valuation. Today we will see certain values and then we will move further for the another concept which are required for the valuation purpose. Valuation करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी पड़ती है और कैसे valuation करते हैं, कैसे कीमत निकालते हैं उसकी, वो हम देखते हैं. एकोमोडेशन वैल्यू करके एक वैल्यू रहती है ना, इन व्यू ऑफ द फाइनलाइजिंग द वैल्यूज ऑफ द वेरियस प्रॉपर्टीज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस वेरियस वैल्यूज. द फर्स्ट इज द एकोमोडेशन वैल्यू. व्हेन एनी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड अराउंड द डेवलपमेंट डेवलपिंग सिटी, जैसे नागपुर के आजू बाजू की खेती या कहीं आपका जो गाँव है, समझो एखादा हिंगन घाट है, गढ़चिरौली है या कहीं पे भी, उसके जो आजू बाजू की जो खेती है वो एग्रीकल्चरल लैंड है. वो एग्रीकल्चरल लैंड को आप प्लॉट बना के उसको रहने के लायक बेच नहीं सकते, आपको उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेके उसको नॉन एग्रीकल्चरल करना पड़ता है और फिर उसकी कीमत बढ़ती है. तो उसको बोलते हैं जब व्हेन दैट लैंड कॉस्ट increases due to the potential it got of the accommodation. रहने के वास्ते अभी वो जमीन हमने खेती से नॉन खेती के लिए कन्वर्ट किया है, एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर, बाकायदा प्रोसीजर अडॉप्ट करके, तो अभी उसमें रहने लायक अब वो हो गया, तो उसको accommodation value बोलते हैं. That land of non agriculture is converted for the accommodation purpose. So now its value has increased. This is definitely greater. This accommodation value is greater than the agricultural land value. Okay. So that is called as the accommodation value. The next is the assessed value. The local authority, like the town planning department, municipal corporation, government of Maharashtra, decides the prices, or you can say the values of the property or the land at various locations in the city or around the city. The land may be agricultural land, the land may be non-agricultural land, the land may be accommodation land. So that is called as the assessed value. वो government क्या करती है कि हर जगह पे, जैसे कि नागपुर में ही समझो छत्रपति नगर पे है, बरडी पे है, कहीं तो भी आपके खापरी में है या मोहगांव में है, तो हर जगह पे के जो जमीन की कीमत है वह गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे कुछ फिक्स कर दी है, ताकि आप उसमें का जो टैक्स है वो टैक्स गवर्नमेंट को बाकायदा पे कर सके, है ना. That is called as the assessed value that government fixes whether you ये क्यों हुआ कि बहुत बार लोग अपने बहुत होशियार है, विद्वान लोग है, वो tax बचाने के लिए जो कीमत में खरीदी बिक्री होती है उसमें ना बताते हुए कम कीमत में बताते थे, तो कम tax government को मिलता था. लेकिन actually जब government के ध्यान में आया कि अरे ये तो ज्यादा में बेच रहे हैं, तो government has fixed the values of the various properties at various locations, that is called as the assessed value. Again, these assessed value are based on the sale and purchase, past sale. The another one is book value. This book value is nothing but the value of the property shown in the accounts book. Okay, we all know that various industrialists, हमारे में से भी कोई businessman है, किसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, बिरला, अंबानी और बहुत सारे हैं, या LIC है, कोई बैंक्स है, तो इनके हर के बिल्डिंग्स है हर जगह पे, एवरीवेयर दे हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज, सो दोस प्रॉपर्टीज हैव द वैल्यू. एंड टू शो द प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, किसी इसको वो हर साल अकाउंट में बताना पड़ता है, ठीक है. दैट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शोन इन द अकाउंट विच इज वेरी नियर टू द मार्केट वैल्यू, अभी आगे में हम देखने वाले, द
That is called as the book value, which is obtained after deducting the depreciation for original cost. यानी एक डेप्रिसिएशन आगे में घसाई कीमत जिसको बोलते हैं, जैसे ये मोबाइल है तो मोबाइल की ओरिजिनल कॉस्ट, और दो साल पुराना मोबाइल तो दो साल में वो थोड़ा घसाई पसाई हो गई उसकी। मोटरसाइकिल है तो अपन यूज करते हैं उसको, सो दैट इज कॉल्ड एज द अकाउंट्स वैल्यू, अकाउंट बुक वैल्यू विच इज नथिंग बट द ओरिजिनल कॉस्ट माइनस द डेप्रिसिएशन कॉस्ट और द घसाई कीमत, घसाई कीमत करके बोलते। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रेस वैल्यू। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी की जो ओरिजिनल कीमत रहती है, जैसे कि वहां की जमीन की कीमत और कंस्ट्रक्शन वैल्यू है ना, उसको मटेरियल लेबर वगैरह जो लगा, एक्चुअली उससे हमें बहुत बार कम में वो प्रॉपर्टी बेचना पड़ता है या उसकी वैल्यू कम रहती है एक्चुअल वैल्यू से। यानी समझो जमीन की कीमत रहेगी कुछ लैंड वैल्यू जिसको बोलते हैं, और कंस्ट्रक्शन किया, सीमेंट लगा, गिट्टी लगी और ऑल द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसके लिए लेबर लगे, कुछ मशीनरी लगी, तो उसको तो कीमत है ना, लेकिन उससे भी कम में बेचना पड़ता है या कम रहती है। क्यों? ड्यू टू सर्टन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस यानी ताण, तनाव है ना, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस हम बोलते हैं, बहुत स्ट्रेस में हूं मैं आज, सो डिस्ट्रेस। सो दैट इज, ये तनाव क्यों है वहां पे, वो प्रॉपर्टी की कीमत क्यों हो रही है कम? क्योंकि पहली बात तो ऐसा है कि हो सकता है वो जगह पे हरदम वॉर हो, है ना, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में रोज ही वॉर चालू है, रोज बम फूट रहे हैं, कौन जाके लेगा वहां पे बिल्डिंग? ताजमहल भी दिया तो कोई रहेगा नहीं वहां। सो द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेस, दैट इज द डिस्ट्रेस वैल्यू। एखादे बार एखादा जगह रहता है कि हरदम वहां पे दंगे फसाद चालू रहते, कौन जाके रहेगा, अपनी जान कौन गवाएगा? अर्थक्वेक होते हैं, भूज है या कहीं और, बहुत सारे एरिया है हर साल, या हमारे यहाँ वो कोयना के पास में, कराड़ के पास रोज भूकंप के धक्के आते, तो वो वहां पे प्रॉपर्टी की कीमत कहीं कम रहेगी, या और भी उसके कारण हो सकते हैं। वो ऐसा है कि एखादे बार मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ऑफ द सेलर मीन्स ओनर हैज फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड ही वॉन्ट्स इमीडिएट मनी, सो ही वॉन्ट्स टू सेल द प्रॉपर्टी एज एंड इट इज, तो वो कम में बेच देगा, या एखादे बार कोर्ट की वसूली आ गई है, डिक्री आ गई है, तो जो है वो कीमत में बेचा जाएगा। इंटेंशन ऑफ फेवर टू परचेसर, एखाद बार टैक्स बचाने के लिए, खरीदार को फायदा पहुंचाने के लिए, बाकी पैसा अंदर से ब्लैक मनी वगैरह लेंगे लेकिन टैक्स बचाने के लिए कम कीमत में बेचेंगे, या ड्यू टू फियर ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटी, ये तो सबको मालूम है, रोज पढ़ते हैं, है ना, कश्मीर में जाके कोई थोड़ी घर लेगा, रोज गोली मार के खत्म करते हैं। तो मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में एक्चुअल वैल्यू है, जो लैंड वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई वैल्यू, उस हिसाब से जो मार्केट में सेल परचेस रहता है उसको बोलते हैं वो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू। इज द अमाउंट विच मे बी ऑप्टेंड एट एनी टाइम फ्रॉम द ओपन मार्केट व्हेन द प्रॉपर्टी इज फॉर सेल। यदि एखादी प्रॉपर्टी बेचना है या खरीदना है तो मार्केट यानी जो आजू बाजू में जो 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 लोकेलिटी में हमें चाहिए प्रॉपर्टी, लैंड रहे या घर रहे, तो उसकी जो कीमत है दैट विल बी द मार्केट वैल्यू। एंड दिस मार्केट वैल्यू चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी 10 साल पुराने या 20 साल पुराना, पुराने समय में जो मार्केट, जो उस टाइम में वो जमीन की कीमत थी, आज उससे 10 गुना ज्यादा है, और 10 साल के बाद में और 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। सो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड चेंजेस फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई, है ना, पॉपुलेशन बढ़ गई तो वो डिमांड बढ़ गई तो इसलिए फिर सप्लाई कम हो गया तो कॉस्ट बढ़ गई। मार्केट वैल्यू, मोनोपोली वैल्यू, कि जैसे द प्रॉपर्टी हैज सर्टेन एडवांटेजेस विद रिस्पेक्ट टू एडजाइनिंग प्रॉपर्टीज due to its size, shape, architectural view, location, etc. The owner of such property may demand fancy price for the property. है ना, एकादे बार एकादे प्रॉपर्टी का लोकेशन ऐसा है कि उसके लोकेशन के कारण उसके आजू बाजू बहुत अच्छा एरिया है, कुछ एकादा पार्क है, कुछ एकादा आईटी पार्क है ना, आईटी पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क,
एनी टाइप, एखादी इंडस्ट्री है, एरोड्रोम है पास में, तो नेचुरली उसके कारण प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है, और फिर उसका जो ओरिजिनल मार्केट वैल्यू है उससे भी ज्यादा उसका मालिक कीमत मांग सकता है, जिसको फैंसी प्राइस करके बोलते हैं। लेना है तो ले, नहीं तो हटाओ झंझट। सच प्रॉपर्टी में फेच मोर वैल्यू, फेच FETCH फेच है ना, उसकी कीमत मिलना, मे फेच मोर वैल्यू एज पर द डिमांड फ्रॉम द ओनर, दिस इज कॉल्ड एज द मोनोपोली पोटेंशियल वैल्यू। व्हेन द प्रॉपर्टी इज डेवलप इन इट्स मोस्ट एडवांटेजियस मैनर द प्रॉपर्टी फेचेस मोर वैल्यू। यानी एखादे प्रॉपर्टी को डेवलप करते करते हमने उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज दिया है ना, कहीं तो भी स्विमिंग टैंक दिया है और जो भी एडिशनल बेनिफिट्स है, या एखादे बार उसके लोकेशन के कारण है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल वैल्यू। एग्रीकल्चरल लैंड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी हैज पोटेंशियल बिल्डिंग वैल्यू, है ना, सिटी के आजू बाजू खेती योग्य जो जमीन है वो बाद में तो नॉन एग्रीकल्चर होने वाली है, तो वो एग्रीकल्चर जमीन को पहले यदि कुछ भाव नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है ना। आप सबको मालूम होगा कि जैसे जैसे हम नागपुर के थोड़ा थोड़ा दूर जाते हैं, खापरी है, डोंगर गांव है, मोह गांव है, बूटी बोरी है, तो जमीन जो रोड को लग के खेती योग्य जमीन है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वाई द लैंड में तो वो जमीन तो उतनी है और उसमें तो खेती तो वही होती है, कोई सोना तो उगता ही नहीं है। रीजन ओनली इज दैट कि आज ना कल नागपुर बढ़ने वाला है, तो ये जमीन क्यों बाद में रहने योग्य एकोमोडेशन के लिए कन्वर्ट करेंगे नॉन एग्रीकल्चर, तो इसकी कीमत बढ़ेगी। दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसिंग प्रॉपर्टी आइदर फुल्ली और पार्टली इज नोन एज द रिप्लेसमेंट वैल्यू, है ना, कहीं एक्सचेंज करना है तो उस इसमें उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू। बहुत बार एखादे गवर्नमेंट किसी की जमीन लेती है कोई धरण कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डैम के लिए, कैनाल के लिए, एयरपोर्ट के लिए, या गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है, तो इट रिप्लेसेस दैट लैंड विथ अनदर लैंड टू दैट एग्रीकल्चरिस्ट, टू दैट फार्मर। सो दैट फार्मर सेज आज इसकी जितनी कीमत है उतनी कीमत की जमीन मुझे दीजिए, दैट इज कॉल्ड एज द रिप्लेसमेंट वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। एखादी बिल्डिंग उसका लाइफ है 100 साल का या 50 साल का, 60 साल का, जो भी लाइफ है, उसका लाइफ पूरा होने के बाद में, आफ्टर दैट बिल्डिंग फुलफिल्स द लाइफ एंड नाउ इट इज इन ए डायलैपिलेटेड स्टेट, भग्नावस्था में है, खंडहर है ना, अभी उसमें रहने लायक बहुत कंडीशन नहीं है, उसके दरवाजे खिड़कियां खराब हो गई है, पूरा कलर निकल गया है और सब प्लास्टर वास्टर खराब हो गया, लेकिन है वो अपनी जगह पे, तो ऐसे इसमें वो प्रॉपर्टी की जो भी कीमत है उसको बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, दिस वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी व्हेन द प्रॉपर्टी इज एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ एंड द प्रॉपर्टी इज नाउ डिस्कार्डेड, इट इज नॉट एकोमोडेशन फ्रेंडली, इट्स नॉट यूजफुल फॉर द एकोमोडेशन, बट द प्रॉपर्टी इज देयर, वो बिल्डिंग है, देन इट इज कॉल्ड एज द सैल्वेज वैल्यू। ओके, स्क्रैप वैल्यू, अभी वही बिल्डिंग है जिसका लाइफ पूरा हो गया है और अभी उसको हमने डिमोलिश किया, डिसमेंटल किया, आफ्टर द बिल्डिंग इज डिसमेंटल्ड, तोड़फोड़ उसका हमने तोड़फोड़ कर दिया, सब दरवाजे खिड़कियां निकाले, ईटा उसकी ब्रेक किया, एंड ऑल द स्क्रैप इज देयर, स्क्रैप मटेरियल लाइक द डोर्स, विंडोज, द ब्रिक्स, दैट ऑल दैट स्क्रैप मॉर्टर डेब्रिस जिसको बोलते हैं, है ना, स्लैब और इसका डेब्रिस भी आजकल काम में आता है भराई के, लोहा है, रिइंफोर्समेंट है स्लैब का पुराना, so all that material will also fetch, will give certain value. दरवाजे की कुछ कीमत आएगी, पुराने पुराने घरों में लकड़े के बीम वगैरह रहते थे, वो लोहा बेचा तो वो भी किलो में, कुछ ना कुछ तो भी किलो में उसकी कीमत आएगी,
कचरा बेचा तो वो भी कहीं बैकफिलिंग में काम में आएगा. सो दैट टोटल वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग आफ्टर इट इज बीइंग डिसमेंटल्ड, दैट ब्रोकन यूनिट्स एट द एंड ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट वैल्यू और द कॉस्ट ऑफ दैट ब्रोकन यूनिट्स इज कॉल्ड एज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. एंड दैट स्क्रैप वैल्यू इज जनरली टेकन एज 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. ओरिजिनल कॉस्ट के 10% स्क्रैप वैल्यू ली जाती है. ओके, द टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, द स्क्रैप वैल्यू में भी जीरो और द स्क्रैप वैल्यू में भी नेगेटिव. ये तो आप बोलेंगे कमाल ही है. स्क्रैप वैल्यू जो है, जो कचरा पट्टी निकली है, दैट स्क्रैप वैल्यू में भी जीरो और में भी निगेटिव. वेन, यदि उसको तोड़ने के लिए जो भी हमें लेबर मशीनरी लगी है उसके लिए जो खर्चा आया, वो खर्चा यदि ये कचरा जो निकला है इसके कीमत से वो खर्चा ज्यादा है तो वो स्क्रैप वैल्यू जीरो है. वो खर्चा स्क्रैप मटेरियल के कीमत की इतना है तो जीरो है, और वो खर्चा यदि स्क्रैप मटेरियल से भी ज्यादा है तो वो स्क्रैप वैल्यू निगेटिव है. ओके, सो स्क्रैप वैल्यू मे बी जीरो मे बी निगेटिव इफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग बिकम्स इक्वल और मोर देन द स्क्रैप वैल्यू. नेक्स्ट इज द सेंटिमेंटल वैल्यू. ओके, अगेन दिस इज जस्ट लाइक ए मोनोपोली वैल्यू, सेंटिमेंटल वैल्यू है ना. मेरे पास में मेरी एक आधी पुरानी हवेली है, मेरे बाप जादाओं की परजादाओं की हवेली है, पुरानी हवेली है, और किसी को वो चाहिए लेकिन मेरे सेंटिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व है. आई हैव द सेंटिमेंट्स दैट माई फादर ग्रैंड फादर एंड द ग्रेट ग्रैंड फादर ऑल सेटल्ड इन दैट बिल्डिंग. मुझे लगाव है, मैं बेचना तो नहीं चाहता लेकिन किसी को चाहिए ही, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये मार्केट वैल्यू से मैं 10 पट महंगा दूंगा या 5 पट या जो भी मुझे कीमत चाहिए उसमें मैं बेचूंगा, आपको चाहिए तो लीजिए. दैट इज कॉल्ड एज द सेंटिमेंटल वैल्यू. वेन सम सेंटिमेंट्स और फीलिंग ऑफ द ओनर आर अटैच्ड विद द प्रॉपर्टी, देन इट इज कॉल्ड एज द सेंटिमेंटल वैल्यू. दिस हायर प्राइस इज कॉल्ड एज सेंटिमेंटल वैल्यू. ओनर कैन आस्क एनी वैल्यू वेन एवर सम सेंटिमेंट्स और फीलिंग ऑफ द ओनर आर अटैच विद द प्रॉपर्टी. सच सेंटिमेंटल प्रॉपर्टी इज नॉट सोल्ड बाय द ओनर इवन फॉर हायर प्राइस ऑफर्ड बाय द प्रॉपर्टी. है ना, एखादी चीज रहती है ना, जस्ट फॉर ए मैटर ऑफ जोक, एक शिवाजी महाराज की तलवार, एक भवानी तलवार करके प्रसिद्ध तलवार है. एंड आज के इसमें देखा तो वो तलवार लोहे की तलवार है, हार्डली वो इतनी पुरानी तलवार. वैसे देखा तो वैल्यू एज सच स्टील वैल्यू उसको कुछ नहीं है, हार्डली 5-10 रुपए की कीमत की होगी. या जैसे महात्मा गांधी जी का चश्मा था सेवाग्राम में, वो चोरी हो गया और वो कहीं तो भी बाद में ब्रिटेन में मिल गया, तो वो चश्मे की वैल्यू तो बहुत कम है. आज ऐसे ही बेचा चश्मा तो कोई लेगा भी नहीं भंगार में, स्क्रैप में. लेकिन महात्मा गांधी जी का चश्मा है, शिवाजी महाराज की तलवार है, तो ऐसा बोलने के बाद में उसकी सेंटिमेंट्स बढ़ गए उसके साथ. नाउ दो एनीबडी विल परचेस दैट तलवार और दैट स्पेक्स एट हायर प्राइस. है ना, नीरज चोपड़ा का भाला. अभी आपको मालूम है नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में भाला फेंक या जेवेलियन थ्रो करके बोलते हैं, तो उसमें वो गोल्डन प्राइस, यस गोल्ड मेडल ही अचीव. और वो जो जेवेलियन है वो उसने मोदी जी को गिफ्ट दे दिया. मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिलने गया, फिर उन्होंने क्या किया कि उसका ऑक्शन किया, तो वो 1.5 करोड़ में गया. दैट जेवेलियन ऐसा ही मार्केट में लेने जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 10-20 हजार, 1-2 लाख का होगा, आपको उतना नहीं मालूम उसके बारे में. लेकिन वो 1.5 करोड़ में बेचा गया. दैट इज द सेंटिमेंटल वैल्यू. स्पेक्यूलेटिव वैल्यू, स्पेक्यूलेशन है ना. बहुत बार क्या करते हैं हमारे मार्केट में, बहुत पैसे वाले जो लोग हैं जो प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हैं, वो मार्केट में ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं
दोनों तरफ का माहौल क्रिएट करते हैं। एक तो अभी यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, ये प्रॉपर्टी को कुछ वैल्यू नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसा करके एट लोअर प्राइस दे परचेज द प्रॉपर्टी, लैंड है ना नागपुर के आसपास कहीं तो भी, और 50-100 किलोमीटर में दे परचेज दी एट लोअर प्राइस बाय जस्ट क्रिएटिंग द एटमोस्फियर दैट दिस एरिया विल बी नॉट डेवलप्ड और इट विल नॉट हैव एनी वैल्यू, या उल्टा भी कर सकते हैं। जनरली तो जो मैं बोल रहा हूँ वैसा करते हैं, स्पेक्यूलेटिव जो है, स्पेक्यूलेशन स्पेक्यूलेशन एंड मैनिपुलेशन, एंड दे परचेज दैट प्रॉपर्टी एट लोअर प्राइस एंड दे सेल इट लेटर ऑन, है ना। ऐसा शेयर मार्केट में भी बहुत बार होता है कि ऐसे शेयर मार्केट में जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स है, आप लोगों को शायद मालूम होगा, पढ़ते होंगे पेपर, तो अच्छी बात है। सो सच स्पेक्यूलेशंस आर स्प्रेड दैट नाउ ये कंपनी घाटे में जाने वाली है ना, कोई तो भी टाटा की कंपनी है, कोई और है या कुछ ऐसा, तो लोग धड़ाधड़ शेयर बेचना चालू कर देते, फिर जो कीमत में आए वो कीमत में शेयर बेचते हैं, तो ये उस टाइम में ये लोग ऐसे खरीद लेते हैं एंड देन दे सेल इट एट हाइयर प्राइस, है ना। आपको वो हर्षद मेहता शायद पेपर, वो पिक्चर देखा होगा उसका आपने, या वो हितेन पारेख करके, आपके भी जन्म हुआ होगा तब का वो केसेस है शेयर मार्केट की, स्पेक्यूलेशन और स्पेक्यूलेटिव वैल्यू। नाउ फ्रेंड्स, विथ नॉलेज ऑफ ऑल दीज वैल्यूज लेट अस मूव फर्दर इन द स्टेप्स ऑफ वैल्यूएशन। ग्रॉस इनकम, एज वी आर डूइंग द वैल्यूएशन ऑफ द बिल्डिंग्स, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस टर्म्स रिगार्डिंग द बिल्डिंग्स। ग्रॉस इनकम इज द टोटल इनकम और द रेवेन्यू रिसीव्ड पर एनम यानी पर एन्युअली पर ईयर फ्रॉम द प्रॉपर्टी, एखादे बिल्डिंग से हर साल मिलने वाला किराया या वो बिल्डिंग से जो भी इनकम है दैट इज कॉल्ड एज द ग्रॉस इनकम। टोटल इनकम जो भी है उसका, किराया है, रेंट है, ऑल दैट है ना, कभी और फॉर अदर पर्पजेस वी गिव द बिल्डिंग, सो दैट इज कॉल्ड एज द ग्रॉस इनकम। अब ये बिल्डिंग को मेंटेनेंस के लिए हर साल खर्चा आता है, उसको इलेक्ट्रिक बिल है, उसके टैक्सेस है, उसका इंश्योरेंस है, ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज द आउटगोइंग्स। ओके आगे सब आउटगोइंग्स यानी जाने वाला, बट ग्रॉस इनकम इज एक्सक्लूसिव और इज यू कैन से आउटगोइंग्स आर नॉट कंसिडर्ड टोटल इनकम। ओके सो द आउटगोइंग्स एंड ऑपरेशनल कलेक्शन चार्जेस आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस इनकम। ओके दैट इज कॉल्ड एज द ग्रॉस इनकम। नाउ द नेट इनकम, आउटगोइंग्स मैंने आपको बताया जो बिल्डिंग के ऊपर खर्चा आता है, आउटगोइंग्स आर द एक्सपेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी इनकर्ड टू मेंटेन द प्रॉपर्टी सो एज टू डिराइव द रेवेन्यू फ्रॉम इट। वो बिल्डिंग से हमें हरदम कुछ रेंट मिलना चाहिए, फायदा होना चाहिए, इसलिए हम वो बिल्डिंग को हर साल सालाना उसको कलर देते हैं, कुछ टूट फूट गया उसको मेंटेन करते हैं, और कोई टैक्सेस पे करते हैं, इंश्योरेंस है, ऑल दिस थिंग्स आर द आउटगोइंग्स ईयरली। सो नाउ द नेट इनकम, सो नेट इनकम फ्रॉम द बिल्डिंग और एनी प्रॉपर्टी इज द ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग्स। ग्रॉस इनकम में से आउटगोइंग्स निकाल दिया, हटा दिया, तो जो बचता है उसको बोलते हैं नेट इनकम। व्हाट आर द वेरियस आउटगोइंग्स फ्रॉम द बिल्डिंग और द लैंड, दे आर द टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। इट इज जनरली टेकन 10-15% ऑफ द ग्रॉस इनकम। देन देयर आर अदर आउटगोइंग्स लाइक द रिपेयर्स फॉर एनुअल, ये अभी ये जो हम ले रहे हैं, जैसे हमने पहले बोला कि भाई स्क्रैप वैल्यू इज टेकन एज 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, है ना। ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, और ये ख्याल में रखना है आपको।
क्योंकि अभी आपकी रिटन एग्जाम होने वाली है, अभी आपके कोई एमसीक्यू नहीं होने वाला. यू हैव टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स एज वेल. दिस इज यूजफुल फॉर यू फ्रॉम यूर गेट एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो. ये जो हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन के ऊपर में भी काफी क्वेश्चन आते हैं. सो आउटगोइंग्स आर फर्स्ट इज द टैक्सेस. दे आर जनरली टेकन 10 to 15% ऑफ द ग्रॉस इनकम. वो बिल्डिंग को रिपेयर्स है, एनुअल रिपेयर्स, दे आर टेकन 1 to 2% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. और 1 to 1.5 months रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी. डेढ़ महीने का किराया यह हम रिपेयर के लिए रखते हैं. मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, कलेक्शन ऑफ द रेंट, एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड ऑन रेंट कलेक्टर, चौकीदार, लिफ्ट मैन, पंप अटेंडेंट, वॉचमैन, स्वीपर, इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर कॉमन लाइट्स, ऑल दिस कम्स अंडर द मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस आर द आउटगोइंग्स. एंड जनरली दीज आर टेकन एज 1% ऑफ द ग्रॉस रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी. सो टैक्सेस 10 to 15%, रिपेयर्स 1 to 2%, एंड अदर मिसलेनियस मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस 1%. इंश्योरेंस है ना, बहुत बार हम जैसे मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करते हैं, कार का इंश्योरेंस करते हैं, खुद का इंश्योरेंस करते हैं, तो वैसे ही हम प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस करते हैं कि एकाधे बार भूकंप आ गया, उसमें कुछ टूट फूट हो गई तो उसमें हमें पैसा मिले. प्रॉपर्टी को आग लग गई तो उसमें नुकसान हो गया तो उसके कुछ पैसे मिले. सो दैट इंश्योरेंस इज अबाउट 0.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. अगेन आउटगोइंग लॉस ऑफ रेंट है ना, बहुत किराएदार बहुत अपने यहाँ होशियार रहते हैं कि वो क्या करते हैं कि दे वो घर खाली कर देते और किराए देते नहीं 2-4 महीने का या जो भी है. सो दैट इज कॉल्ड एज द लॉस ऑफ रेंट. द प्रॉपर्टी मे नॉट बी केप्ट फुल्ली ऑक्युपाइड और मे बी वैकेंट फॉर सर्टन पीरियड. ये भी एक रीजन है कि बहुत बार क्या होता है कि किराएदार ही नहीं मिलता तो 2-4 महीने खाली रखना पड़ता है. सो दैट इज अगेन दो वी हैव नॉट रिसीव्ड द मनी एंड द प्रॉपर्टी इज वैकेंट but it is it comes under the loss of rent. Now we will move on to the next and very important part. Okay, so now we learnt about the various types of the values, we learnt about the gross income, net income and the outgoings. ab bahut ye sinking fund karke ek bahut important term hum samajhne wale. Abhi hamara thinking jo hai, अभी हम जो सोच रहे हैं वो हम प्योरली वैल्यूअर करके सोच रहे हैं, वैल्यूअर या वैल्यूएशन के हिसाब से, नॉट एज ए जनरल पब्लिक है ना. हम ये सब हमारे जो चीजें पढ़ रहे हैं दीज आर ऑल एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस आउटसाइड. हमारे सब घरों में यही चीजें होती है, हम रेंट से देते हैं, ग्रॉस इनकम, नेट इनकम वगैरह सब होते ही रहता है. लेकिन जरा हम साइंटिफिकली सोचते हैं, भी टेक्निकली सोचते हैं कि ये जो हमारा पैसा है जो हम किसी बिल्डिंग के ऊपर बांधने में लगा रहे हैं, कोई जमीन ले रहे हैं, सो दिस इज ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट वी आर डूइंग. जैसे बैंक में पैसा रखते हैं एफडी में, या कहीं शेयर्स परचेस करते हैं, कहीं और कहीं दूसरी तरफ इन्वेस्ट करते हैं. वैसे जब हम एखादी बिल्डिंग बनाते हैं तो इट इज एज इफ वी आर इन्वेस्टिंग अवर अर्नड मनी, हार्ड अर्नड मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग. सो इन व्यू ऑफ दिस वी आर थिंकिंग ऑल दिस थिंग्स. हम जो सोच रहे हैं वह इस हिसाब से सोच रहे हैं, उसी इसमें आगे का जो कंसेप्ट है उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड. जब हम एखादी नई बिल्डिंग बनाते हैं, ओके, वी कंस्ट्रक्ट ए न्यू बिल्डिंग एंड द कॉस्ट इज देयर, सम कॉस्ट 1 crore, 2 crore, 50 lakhs, 10 lakhs, 1 lakh एक्सेट्रा, एनी कॉस्ट, एंड दैट बिल्डिंग हैज द लाइफ मे बी 50 years, 100 years, जो भी लाइफ है. सो 50 या 100 साल के बाद में वह बिल्डिंग को हमें गिराना है, 100 साल के बाद में या 50 साल के बाद में उसको, उसका कोई हमें उपयोग नहीं होने वाला, उसको हम तोड़ के तोड़ेंगे उसको और नई बिल्डिंग बनाएंगे. लेकिन नई बिल्ड अभी देखो, हम इतने दूर की आज नहीं सोचते हैं
लेकिन ये सिंकिंग फंड में उसके बारे में सोचा गया है कि वो बिल्डिंग हम उसका लाइफ खत्म होने के बाद में जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तब हमें पैसा लगेगा ना, 50 साल के बाद में, 100 साल के बाद में, 60 साल के बाद में, 70 साल के बाद में, 40, जो भी है, बिकॉज वी आर गेटिंग द मनी फ्रॉम द बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ द रेंट, या हम खुद रह रहे हैं तो बात अलग है, तो वो भी दैट इज द टाइप ऑफ द रेंट वी आर, दो वी आर नॉट पेइंग आउटसाइड बट वी आर सेविंग द रेंट। सो वी हैव टू पुट और कीप सर्टन अमाउंट, मे बी फ्रॉम द ग्रॉस रेंट, और मे बी इफ वी आर रिसाइडिंग इन दैट बिल्डिंग तो भी उसका हमें कुछ ना कुछ पैसा हर साल जमा करके रखना है, आरडी जैसा, अप टू दैट लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, है ना, ईयरली 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 50 साल के होगी तो जो भी है ना, ईयरली कम से कम हमें 1 लाख, 50 साल के बाद में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ेगी, आज 10 लाख खर्चा आया तो 50 साल के बाद में 40 लाख खर्चा आएगा, तो वो 40 लाख जमा करने के लिए आज जो हमें एनुअल पैसा जमा करना पड़ता है, करना पड़ेगा, करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द सिंकिंग फंड। ए सर्टन अमाउंट ऑफ द ग्रॉस रेंट और द ग्रॉस इनकम इज सेट असाइड, यानी बाजू में रखा, जो ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस रेंट है, उसका कुछ पार्ट एन्युअली हर साल एज ए सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट, एज ए सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट, दिस अमाउंट इज एक्यूमुलेटेड, यह जो पैसा है वो हर साल वो जमा होगा फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड व्हेन द लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी इज ओवर। ये जो जमा किए होगा पैसा ड्यूरिंग दैट लाइफ पीरियड ऑफ द बिल्डिंग विल बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग एज द आउटगोइंग्स अफेक्ट द नेट इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, हिज ग्रेट केयर शैल बी टेकन बाय द वैल्यूअर फॉर एस्टिमेटिंग द आउटगोइंग्स, क्योंकि यह आउटगोइंग्स जो है दे अफेक्ट द नेट इनकम, ओके, सो देयर फॉर ग्रेट केयर, यानी यह आउटगोइंग निकालते वक्त हमें पूरी केयर लेना चाहिए, एग्जैक्ट निकालना चाहिए, इसको सिंकिंग फंड करके बोलते हैं। ए सर्टन अमाउंट ऑफ ग्रॉस रेंट इज सेट असाइड एन्युअली एज सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट, इट इज एन अमाउंट विच हैज टू बी ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड बाय वे ऑफ पीरियोडिक एन्युअल डिपॉजिट्स फ्रॉम द ग्रॉस इनकम, सो दैट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी द स्ट्रक्चर कैन बी रिप्लेस फ्रॉम दिस एक्यूमुलेटेड फंड, जो पैसा जमा है इससे हम नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन ये पैसा हर साल जमा करेंगे थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। द ऑब्जेक्ट ऑफ सिंकिंग फंड फंड द ऑब्जेक्ट ऑफ सिंकिंग फंड क्यों करते हैं सिंकिंग फंड, इज टू एक्यूमुलेट सफिशियंट अमाउंट टू मीट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आफ्टर इट्स यूटिलिटी पीरियड, उसकी उपयोगिता खत्म होने के बाद में हमारे पास में उतना पैसा हो कि हम फिर से बांधकाम कर सके। यह सोच क्यों है ना, हम अब हम जनरली अभी हमारा थिंकिंग क्या है कि 50 साल के बाद कौन सोचेगा, 50 साल के बाद में बैंक से लोन लेके बांध लेंगे, है ना, ऐसे बहुत सारे और बाकी भी प्रैक्टिकल चीजें आ सकती है, लेकिन दिस थिंकिंग इज देयर फ्रॉम द इकोनॉमिक्स एंड वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज प्रिज्यूम्ड that you are investing certain amount for the construction of the building, for the construct, for developing certain property. कुछ पैसा यदि इतना ही पैसा आप बैंक में रखते तो आपको हर साल 5-7% इंटरेस्ट मिलेगा, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। एफडी में यदि 50 लाख रख दिए आपने या 10 लाख रख दिए 50 साल के लिए तो आपको उतना पैसा मिलेगा घर बैठे, लेकिन जब आपने किसी बिल्डिंग बनाई है इट इज प्रिज्यूम दैट यू शुड गेट सर्टन इनकम फ्रॉम दैट, एंड फ्रॉम दैट इनकम यू हैव टू सेव ईयरली, हर साल कुछ पैसा जमा करना है, सो दैट दैट मनी एक्यूमुलेटेड आफ्टर द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग विल बी यूज फॉर रिकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग। ओके,
आजकल जैसे बहुत सारे फ्लैट स्कीम्स वगैरह रहती है, टाउनशिप्स रहती है, तो वहां पे वो जो मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस का पैसा जमा करते हैं मंथली और ईयरली बोलो, सो दे पुट सर्टन अमाउंट फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग आफ्टर इट्स लाइफ, वो भी सिंकिंग फंड करते हैं जमा। मैंने देखा है, आई हैव सीन इन द फ्लैट स्कीम एट पुणे दैट दे पुट सर्टन पार्ट ऑफ दैट मेंटेनेंस चार्जेस एवरी मंथ इन द बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दैट बिल्डिंग आफ्टर इट्स लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज द सिंकिंग फंड। इट डिपेंड्स अपॉन द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग एंड द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। हमने बोला 10%, 10% इज द स्क्रैप वैल्यू, है ना, बिल्डिंग की लाइफ और उससे कचरे की मिलने वाली कीमत, है ना, बिल्डिंग को तोड़फोड़ करने के बाद में जो भी डेब्रिस, दरवाजे, खिड़कियां, लोहा, लोखंड जो है, दैट इज कॉल्ड एज द स्क्रैप वैल्यू। ऑन दैट द सिंकिंग फंड विल डिपेंड, द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज नॉट कंसिडर्ड। लैंड तो वही रहेगी, वो तो कहीं जाएगी नहीं। डेवलप बिल्डिंग डेवलप करना है तो लैंड को नहीं डेवलप करना है, वो बिल्डिंग को बांधना है, तो लैंड की कीमत नहीं पकड़ी जाती सिंकिंग फंड निकालते वक्त, एज द लैंड रिमेन्स इंटैक्ट। देर इज वन अरिथमेटिकल और न्यूमेरिकल फॉर्मूला फॉर द सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट एन्युअल, सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट एन्युअल, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू कैपिटल एस इन टू स्मॉल आई डिवाइडेड बाय 1 + i^n-1, ब्रैकेट कंप्लीट, है ना, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको मैंने नोट्स दिया है, वो नोट्स में भी है ये। आई विल अगेन रिपीट, आई द सिंकिंग फंड और द सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट पर ईयर एन्युअल इज इक्वल टू एस। एस इज नथिंग बट द टोटल अमाउंट ऑफ द सिंकिंग फंड, यानी आपको के लिए कितना पैसा चाहिए वो टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड, और द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, टूडेज कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, एस टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड, आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल। आई यानी इंटरेस्ट रेट, यदि आपने बैंक में रखा तो उसके ऊपर कितना ब्याज मिलेगा, वो इंटरेस्ट रेट, मार्केट का इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स और द लाइफ, सो एस इंटू आई मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट अगेन इन ब्रैकेट 1 + i^n ब्रैकेट कंप्लीट -1 अगेन ब्रैकेट कंप्लीट, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द सिंकिंग फंड। हर महीने, हर साल, और उसको 12 से डिवाइड किया तो हर महीने इतना पैसा आपने जमा करना चाहिए। अभी हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द सिंकिंग फंड। एन ओल्ड बिल्डिंग हैज बीन परचेज बाय ए पर्सन एट ए कॉस्ट ऑफ 30,000। पुराना न्यूमेरिकल है इसलिए कीमतें बहुत कम है, आज 30,000 में तो एक छोटी सी, आज कुछ मिलता ही नहीं 30,000। दिस इज द ओल्ड न्यूमेरिकल, सो देयरफॉर दीज आर द वैल्यूज। आज की ज्यादा की कीमत भी आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। एन ओल्ड बिल्डिंग हैज बीन परचेज बाय द पर्सन एट 30,000 एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एन्युअल सिंकिंग फंड एट 4% इंटरेस्ट, एज्यूमिंग द फ्यूचर लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज 20 years एंड द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेस। वेरी इजी, वेरी इजी, अगेन बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला। सोल्यूशन, द टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड टू बी एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 20 years, 20 साल के बाद में कितना पैसा जमा होना चाहिए, जो 30,000 आज की कीमत है, इसका 10% तो हमें स्क्रैप वैल्यू मिलने वाला है, तो उसका जो 90% है, उतना पैसा तो हमें 30 साल के बाद में मिलना चाहिए कम से कम, है ना। अभी इतना पैसा, यानी इतने पैसे में थोड़ी घर बांधने वाले हैं, तो ये पैसा यदि हमने जो भी उसका लाइफ है 20 साल बचा हुआ, 20 साल ये पैसा बैंक में रखेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, वो मोर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो कैसा निकालते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट, द सिंकिंग फंड टू बी एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 20 years इज 90% ऑफ 30,000, दैट इज द परचेस्ड कॉस्ट,
30,000 है उसके 90%, 10% स्क्रैप में गया, सो 27,000. सो एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड आई इज इक्वल टू एस इंटू आई मल्टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट. ठीक है, 27,000 हमें जमा करना है 20 साल के बाद में, 10,000 हमारे स्क्रैप वैल्यू मिलने वाली है हमें, सॉरी 3,000, 30,000 के 30,000 के 10%, 3,000 तो हमें स्क्रैप में मिलने वाला है. इसलिए 27,000 प्लस 3,000, 30,000 विल बी अवेलेबल आफ्टर 30 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स. बट इफ दिस अमाउंट इज केप्ट इन द बैंक विल गिव यू द इंटरेस्ट. सो देयरफॉर द इंटरेस्ट एट 4% इज कंसिडर्ड. And put all these values 27,000 into 0.04, I is 4%, so 4 by 100 divided by 1 plus 0.04 raised to 20 life of the building minus 1, and this sinking funds annual installments come as 907 rupees 20 paisa. Yani har saal aapne 907 rupees 20 paise jama karna chahiye. जो वो बिल्डिंग से जो इनकम है उसमें से. सो एनुअल इंस्टॉलमेंट फॉर सिंकिंग फंड फॉर 20 इयर्स इज 907.2 रुपीस. ठीक है, एवरी ईयर. फिर आप उसको मंथली रेंट आता है 907 डिवाइडेड बाय 12 किया तो वो मंथली आएगा. ओके, एज इफ इट इज एंड देन इट इज पुट इनटू द बैंक एट 4%, सो डेफिनेटली the total amount will be 30,000 or 27,000 after the life of the building, that is 20 years. Now we will move into the next and very important concept, which is called as the depreciation value or the depreciation or ghasai. Hai na, hamari motorcycle, humne nahi motorcycle liya, to uski kimat kuch 60,000 hai. Lekin wahi 5 saal purani motorcycle liya, to wo hum 60,000 mein nahi lete. भले ही वो यूज किया है नहीं किया है मालूम नहीं. एज इफ इन 5 इयर्स दैट मोटरसाइकिल इज बीइंग यूज्ड एंड देयर इज सम घसाई, देयर इज सम वियर एंड टियर ऑफ दैट मोटरसाइकिल एंड इट्स कॉस्ट विल रिड्यूस, दैट रिड्यूस्ड कॉस्ट आर द दैट रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड द डिफरेंस ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट. Original cost and the reduced cost, इसका जो difference है, that is called as the depreciation or the घसाई कीमत. It is the loss in value of the property. हमारे in our case now, in building, it is the loss in value of the property due to structural deterioration. है ना, पुरानी building होती है, concrete पुराना होता है, लोहा पुराना होता है, कुछ उसमें पेंटिंग पुराना होता है, तो उसकी स्ट्रक्चरल जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम होते जाती है. सो स्ट्रक्चरल डेटीरियरेशन, डेटीरियरेशन है ना, वियर एंड टियर बोलेंगे, आगे में आया ही है वियर एंड टियर, डीके एंड अब्सोल्यूशंस. ये अब्सोल्यूशंस क्या है आगे में देखेंगे. आप इसका प्रोनाउंसिएशन 2-4 बार कीजिए और ये स्पेलिंग पाठ कीजिए, OBSOLESCENCE, इट इज कॉल्ड एज द अब्सोल्यूशंस. वो क्या है अब्सोलेसेंस मैं आपको बाद में बता दूं. तो इन सब के कारण एकाधे बिल्डिंग की या प्रॉपर्टी की कीमत कम होती है. सो इट इज द लॉस इन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चरल डेटीरियरेशन, वियर एंड टियर, डीके एंड अब्सोलेसेंस इज सर्टन परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट. है ना, हमने जैसे 10% वगैरह लिया स्क्रैप वैल्यू, या डेप्रिसिएशन हर साल कम होते जाता है. हाउ इट इज वर्क आउट दैट वी विल सी. डेप्रिसिएशन वैल्यू है ना, शायद आपने कहीं तो भी कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट वगैरह आपका जो सब्जेक्ट है उसमें शायद ये डेप्रिसिएशन वर्ड भी आया होगा. सो दैट परसेंटेज, इट इज द सर्टन परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट, दैट इज द डेप्रिसिएशन वैल्यू और सारा कीमत, घसाई कीमत. Usually some percentage of the cost of construction is depreciation per annum, per year. है ना, total कीमत का 5%, 10%
हर साल उसकी कीमत कम होती है, फिर से वो स्ट्रक्चरल डेटीरियरेशन, हर साल स्ट्रक्चर पुराना होते जाता है, लोहा की स्ट्रेंथ कम होती है, कंक्रीट की कम होती है, पेंटिंग कम होता है, वियर एंड टियर है, हवा बारिश धुंध के कारण भी बिल्डिंग के क्रैक्स आते हैं, डीके यानी फिर से उसमें क्रैक्स और दरारें आना, और ऑब्सोलेसेंस, आउटडेटेड जिसको बोलते हैं, है ना। ऑब्सोलेसेंस शॉर्ट में बताता हूँ, अभी आगे मैं और डिटेल में बताऊँ। आउटडेटेड, 20 साल पुराना मकान, 30 साल पुराना मकान या फ्लैट, आज हम लोग फ्लैट ही लेते हैं इसलिए फ्लैट के बारे में बात करें, और आज का फ्लैट, ये दोनों में फैसिलिटीज में बहुत फर्क है। पुराने फ्लैट में ओल्ड डोर्स एंड विंडोज, कड़ाप्पा का ये है ओटे के ऊपर में, या और बहुत सारे ओल्ड टाइप स्ट्रक्चर्स आ गए, बट नाउ इन न्यू फ्लैट्स दे यूज द ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स आर डिफरेंट, डोर्स आर ऑफ डिसेंट फैशन, विंडोज आर डिफरेंट, ऑल द अलमीराज एंड ऑल द कर्टन्स एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड एज द ऑब्सोलेसेंस, दैट इज चेंज इन द पैटर्न, चेंज इन डिजाइन, मॉडर्ननेस, ओके। सो ड्यू टू दिस ऑब्सोलेसेंस द कॉस्ट रिड्यूसेस, है ना। पुरानी मोटरसाइकिल, पुरानी स्कूटर और आज की स्कूटर, यदि मेरे पास में यदि बजाज की स्कूटर है पुरानी, या वेस्पा है, या कोई पुरानी और लैमरेटा है 30-40 साल पुरानी, तो कोई फुकट में भी नहीं लेगा आज मुझसे, हो किसी को गिफ्ट दिया तो भी नहीं लेगा, क्योंकि अभी उसकी कोई कीमत नहीं है, भले ही वो चालू कंडीशन में, बिकॉज इट इज नाउ आउटडेटेड, एवरीबडी विल लाफ। यदि वो बजाज सुपर लेके यदि आप कॉलेज में आए, एक आधा लड़का, सो दैट इज कॉल्ड एज द ऑब्सोलेसेंस, एंड दिस द लॉस इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिटीरियरेशन, वियर एंड टियर, डीके एंड ऑब्सोलेसेंस इज कॉल्ड एज द डेप्रिसिएशन। एन्युअल डिक्रीज, ईयरली डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द एन्युअल डिप्रिसिएशन। नाउ द नेक्स्ट अबाउट विच वी विल बी डिस्कसिंग, इट इज ऑब्सोलेसेंस, अगेन आई विल प्रोनाउंस इट ऑब्सोलेसेंस, ABSOLESENCE, इट इज डिफाइंड एज द लॉस इन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, एखादी प्रॉपर्टी की कीमत कम होना, क्यों, ड्यू टू फंक्शनल इन एडिक्वेसी, है ना, उसकी जो यूटिलिटी है वो अभी कम पड़ रही है, फंक्शनल इन एडिक्वेसी, उसका जो फंक्शन है उससे आज की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, सो देयर फॉर इट इज इन एडिक्वेट नाउ टू यूज। चेंज इन डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का डिजाइन अभी बदल गया, पुराना मकान है, लोड बेयरिंग वगैरह है, आज फ्रेम स्ट्रक्चर है, कॉलम स्ट्रक्चर है, और मे बी द डिजाइन चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। चेंज इन फैशन, जो मैंने अभी बताया, आर्किटेक्चरल, पहले ओल्ड स्ट्रक्चर, नाउ द न्यू, द वेरियस फैसिलिटीज आर देयर बिकॉज द वेरियस इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा आर देयर। पुराना मकान है सब, उसका वायरिंग बाहर से है, नल बाहर से है, पाइपलाइन बाहर से, आज कहीं कुछ बाहर नहीं दिखता, सब दे आर फिटेड इनसाइड, पीओपी किया है आज नए बिल्डिंग में, पुरानी स्लैब ऐसी है, डोर्स एंड विंडोज आर ऑफ ओल्ड पैटर्न, नाउ द न्यू पैटर्न डोर्स आर देयर, विंडोज आर डिफरेंट, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज द चेंज इन फैशन, सो दैट इज ड्यू टू दिस द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग रिड्यूसेस। चेंज इन न्यू इन्वेंशंस और इंप्रूवमेंट इन डिजाइन, ड्यू टू दिस द प्रॉपर्टीज वैल्यू रिड्यूसेस, एंड दिस लॉस इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द ऑब्सोलेसेंस, इट इज डिफरेंट देन डेप्रिसिएशन। ऑब्सोलेसेंस कैन बी ए पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, बट डेप्रिसिएशन कैनॉट बी सेड एज ऑब्सोलेसेंस, और ऑब्सोलेसेंस कैनॉट बी सेड एज डेप्रिसिएशन, ओके। ऑब्सोलेसेंस के कारण जो कीमत कम हो गई, दैट कैन बी ए पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन,
Depreciation is nothing but the loss in value of the property due to deterioration of the property, due to the wear and tear. Okay, so that is the and the absolutions also. That is called as the depreciation. But absolutions is bit different than that. An old dated building with massive walls, arrangement of the rooms not suitable in present days, becomes obsolete. You know, hum bahut bar word use karte hain, obsolete. And its value becomes less due to obsolescence. Hum bolte hain na, ab ye obsolete ho gaya. Ye jo mobile hai, jo abhi Android mobile nahi hai, जो एनालॉग मोबाइल है या वो जो बटन वाला मोबाइल है, तो वो दैट इज नाउ ऑब्सोलेट, नोबडी यूजेस इट नाउ. द मोबाइल्स आर ऑफ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम. स्क्रीन टच वाले मोबाइल है, अभी वो बटन वाला भी काम चले गया. ऑल द मे बी एंड्रॉइड ऑपरेटेड बट बटन ऑपरेटेड, बटन्स थे उनको, तो दैट इज ऑल्सो ऑब्सोलेट. Its value is obsolescence value. फुकट में दिया तो वो मोबाइल नहीं लेगा कोई. अभी सब टच स्क्रीन मोबाइल है. ऑल द मोबाइल्स आर नाउ दे आर लाइक द स्मॉल मिनी कॉम्प्यूटर्स. वो मोबाइल में क्या नहीं है. सो दैट इज कॉल्ड एज द ऑब्सोलेसेंस एंड द मीनिंग ऑफ ऑब्सोलेट. एखादी चीज अपसोलेट होना यानी आउटडेटेड होना, और वो आउटडेटेड वस्तु की कीमत. ठीक है, आज हम यहां पे रुकते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू दैट वी विल लर्न इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. एन्युइटी एक्सेट्रा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. कैपिटल वैल्यू, हाउ टू फाइंड आउट देन द मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन एक्सेट्रा, वी विल ट्राई टू सी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर.